कारबार पछरे कलाकार नामा ड्रग्स माफिया सहित पुलिस कनेक्शन बालेश्वर जिला पुलिस देर लगी एभली अपवाद दाग धरा पड़ी ड्रग्स व्यवसायी सहित पुलिस बाबू डिल सोशल मीडिया रे वायरल होई जलेश्वर थाना आईआईसी धनेश्वर साहू एवं ड्रग्स माफिया नासिरुद्दीन कथबार्तार अडियो वायरल अडियो रे जहां कथबार्ता रही बुझा पड़ी ड्रग्स व्यवसायी को गिरफ न करने पुलिस अधिकारी टंका मागुछंती धमक देउछंती अधिक चालाकी हेले जो ब्राउन सुगर जबत होई देखाई पांच वर्ष जेल भितर ठुंकी देवे वायरल होइतिबा अडियो टेप रे ड्रग्स माफिया कहउछि जे पुलिस बाबू को 2 लाख टंका दे सारिछंती ता सत्वे पुलिस बाबू तांकु काहेकि अजथारे गाड़ी ग्लोस करउछंती बोली ड्रग्स माफिया कहउछंती। ए वायरल अडियो को गुरुतर सहित नेइछि बालेश्वर पुलिस घटना को नेइ एसपी को तदंत निर्देश देइछंती आईजी दीप्तेश पटनायक। गतकाल किसी रिसीव करले आम एडमिनिस्ट्रेशन तरफ वी रिसीव्ड सम वीडियो क्लिप्स ऑडियो क्लिप्स एंड फोटोग्राफ्स कंटेनिंग सम एलिगेशंस अगेंस्ट जलेश्वर पुलिस स्टेशन ऑन रिसीप्ट तक मिलला परे आम मैंने इमीडिएटली एसपी को तापर तदंत इंक्वायरी करिया को ऑलरेडी ऑर्डर पड़ी आउ एसपी इज ऑलरेडी इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी इनटू द मैटर फॉर अ फ्री एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी जो सब मैंडेटरी प्रोविजंस अच्छी ऑल विल बी फॉलोड एंड डेफिनेटली तार ट्रुथ कौन अच्छी विल बी टेकन। एबे आसन सुनिबा वायरल होइथिबा ऑडियो रे कोन रहिछि कथाबार्ता कुहा जाउछि जलेश्वर थाना आईआईसी धनेश्वर साहू एवं ड्रग्स माफियाक मधरे होइछि ए कथाबार्ता। हां सर नमस्कार ओकिलंगु कोन मे जीव को जोलि से कहजनि ना सर मु कहू छी मते गाड़ी ता दियंतु सर मु था कमिटमेंट कोन करथुल बिले माल छि लेकिन फॉरवर्ड करबी 5 वर्ष रहबु जे सही छि किछो हेइ छि सर भोल से टिके कोन्तु मु खाली गलता किसो भाई ओपी जदि तोर मोर के सब नेक्स्ट चैप्टर आगे आगे किछ नै किछ नै किछ नै सर मु आपन को भाषा कहि छी कि आपन पैसा मांगिले मु 2 लाख टका दे छी पर भाषा कहू छंती आपन ब्राउन सुगर बेपार जाने ना आउ 2 लाख टका मु कहू छु मु 2 लाख टका पाइमि काडु जदे मि ना ना मु जाने नि से रेकॉर्डिंग आपणकर प्रतिटि कथारे उकिल जणे मध्यस्थ रहउछन्ती उकिल उकिल मध्यस्थ समान उकिल को धरि कि आमे मो स्त्री मो जीवन को मो बेल करै को केस रे बेल करछु त मार्केट फौजदारी केस इस संपर्क अधिक सूचना देवा को फोन लाइन जोड़ी होती आम बालेश्वर प्रतिनिधि सत्यजित सेनापति सत्यजित आम तो पूरा ऑडियो क्लिप टी सुनिलु तो ये जो ऑडियो क्लिप टी वायरल होची जानवा को चाहिबो कि आ पछरे केते दूर सत्यता रहची जो तदंत निर्देश दिया जायतिला तदंत केते दूर गलानी पूरा अपडेट कोन रहछ अपन पाखरे देखो जो ऑडियो टी वायरल है से ऑडियो रो जहां अभिजोग होची कि पर जो जलेश्वर थाना अधिकारी एवं जो नासिरुद्दीन नामक जने ब्राउन सुगर व्यवसायी अच्छा तांक भितर कथबार्ता वार्तालाप रही जहाँ अभियोग बर्तमान सुधा आसुचे कि बर्तमान सुधा स्पष्ट हो पारिना जदि घटना को अति गुरुतर सहकार नहीं बालेश्वर पुलिस और आईजी निजे घटना तदंत निर्देश एसपी को देखते आसपी को देवापर घटना जड़े आडिशनाल एसपी को दायित्व दीजिए तदंत आडिशनाल एसपी बर्तमान जलेश्वर थाना पहुंची पचरा उचरा तदंत आरंभ कले किंतु वर्तमान सुधा स्पष्ट हो पारिनी जे ए ऑडियो टी केबिकार ए जोटी मुख्य जहां कथा हो जो सूचना पुलिस पक्ष मिलता जे ऑडियो टी केबिकार कौ विषय नहीं कथा हो जो टंका मगा जा किए मगुच्च कहार संपुक्ति अच्छी संपर्क स्पष्ट हो पारे कि कहा अभोग आस जलेश्वर थाना जो अधिकारी रही धनेश्वर सब तक संपुक्ति रही ऑडियो भितर कि तार सत्यता के स्पष्ट हम तदंत पूरा सर जेहेतु आईटी घटना को गुरुतर सहकार नहीं सी स्वीकार करते गोटे ऑडियो वायरल होती है जलेश्वर थाना बोली जहां जमापड़ी कि अंपटे आप देखिए जो नासिरुद्दीन जो जहां कथ उठू जे व्यक्ति पुलिस को सह कथ सी व्यक्ति निजे मना कर मोर कौन कथबार्ता पैसा बाबद में कौन थाना अधिकारी कथबार्ता होना से मना करुच्चे कितु यार सत्य सत्य कहते कारण जलेश्वर जो एसडीपीओ रही सी जहां प्राथमिक पर्यायर कहते ऑडियो कॉल जो वॉइस लगुच
ସିଏ ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଏସ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାର ଯଦି ସତ୍ୟତା ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିବା କି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍, ଯେଭଳି ଭାବରେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାଙ୍କର ବାପା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆ ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ? ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁ ଯେ କି ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ଏଆଇସି, ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି? ସତ୍ୟଜିତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କି? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫୋନକୁ ରିସିଭ କରିନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଆଇଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିପି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରାଉନସୁଗାର କାରବାରରେ ଜଡିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ଯୋଉ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଡିତ ଥାଏ, ଯଦି ବା ସେ କେବେ କୌଣସି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ତା ନାଁରେ ବାରମ୍ବାର ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ଯେ ସେ କଲ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହିଁ, ତାର କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉନାହିଁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ନ ସରିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନର ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଗାଡି ରହିଛି ତାକୁ ଜଳେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନରେ ଆଣିକି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯଦି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଜର ତା ଉପରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବା ସିଜର ଭାବରେ ସେ ଗାଡିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ହବ ସେ ଗାଡିଟି ଆସି ଥାନା ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଗାଡିଟି କିଭଳି ଥାନାକୁ ଆସିଲା, କାହିଁକି ଅଣାଗଲା ସେ ଗାଡିକୁ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଭାବରେ ଆକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛି, ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସ, ଏବଂ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଜି ଦୀପ୍ତେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟଜିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।